मेरे कल रिपोर्ट मैं कल दे के गया था अपने बच्चों की, तो फिर वो आज रिपोर्ट उसकी आई हो लेने आया हूँ, पर मैं सुबह से देख रहा हूँ ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी है बेचारों को, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पर सुविधा बस की नहीं है वहाँ से पैदल चल चल के पता नहीं किस तरीके से उनको पीठ में लगा के भी लोग लाते हैं अपने बीमार आदमियों को, तो फिर यहाँ पर आके फिर उनके टेस्ट नहीं होते, फिर उनको उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बेड नहीं मिलता, डॉक्टर एडमिट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी परेशानियाँ आपको। जी जी नॉट माई नेम इज़ हेमलता अवस्थी। हेमलता अवस्थी जी, हेमलता जी आज टेस्ट नहीं आप जो है वो ले रहे हैं सैंपल? जी जी सर। क्यों, क्या वजह है? बिकॉज सर एक्चुअली मैं हमारी जो पेमेंट है वो अभी ड्यू है, गवर्नमेंट ने अभी उसको दिया नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट टेकिंग द एनी सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट। कब से लेकर पेमेंट नहीं आई है सर? ये काफ़ी हमारा अभी काफ़ी पेमेंट बचता है जो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। कि शिमला में ही ये परेशानी है और ऑल हिमाचल का है सर? ये ऑल हिमाचल में? यस सर। तो आज के दिन सेवाएं बंद है? यस सर, हमारे को पीछे मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है कि आज कोई सैंपल भी नहीं दिया जाएगा, और वैसे रिपोर्टें हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। कितना वर्कलोड रहता है आमतौर पर और कितने बजे के बाद सैंपलिंग आपके पास आती है? सैंपलिंग तो सर सुबह से स्टार्ट हो जाती है, नियर अबाउट 9:30 से स्टार्ट हो जाती है ये, 9:30 से एंड शाम तक रहती है सर 5:00। कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो आपके पास रहते हैं? मैक्सिमम ऑल ही टेस्ट रहते हैं सर, ऑल टेस्ट तमाम तरह के। हाँ, कोई होता है दो मतलब फाइव सिक्स टेस्ट ऐसे हो गए जो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, अदरवाइज सारे टेस्ट हमारे पास ही होते हैं। आज के दिन की कॉल है या कल भी ऐसे ही रहेगा? अभी तो आज के लिए तो यही ऑर्डर है सर, कल का व्हाट विल दे विल से वी विल टुमारो। ये पूरे हिमाचल में बात की जाए तो बंद रहेंगे ये सैंपल्स? पूरे हिमाचल का सर आज के लिए तो पूरा हिमाचल बंद है यहाँ, और कल का भी? कल का भी डिसाइड नहीं हुआ है मे बी, तो अभी तक जो हमारे मैनेजमेंट के ऑर्डर आए वो आज के लिए आए। तो इसका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या इंतजाम किए गए? सर प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक बंद होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो अपनी जनरल लैब्स है वो बिल्कुल विधिवत पूर्वक चल रही है, और हम जो कल्पना कर रहे हैं कि भाई संतुलित सुव्यवस्थित और स्वास्थ्य की जो हम परिकल्पना करते हैं उसमें हम किसी भी तरह की कोताही नहीं आने देंगे। हाँ, कृष्णा डायग्नोस्टिक का कुछ ओवरड्यूज ऐसे चल रहा था, तो मेरे ख्याल से वो अभी एट प्रेजेंट नेगोशिएशन चल रही है, अभी वो मीटिंग चल रही है, जो भी मीटिंग के बाद सामने आएगा तो आपसे अवगत करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मरीजों की बात है, मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आ रही। बात की जाए जिस तरह से इन पे भी क्या एस्मा लागू होता है, जिस तरह से यहाँ पर स्पेशल सुविधाएं यहाँ पर बंद कर दी गई, जितने भी अस्पताल के प्रीव्यू में जितने भी हेल्थ सर्विसेज के प्रीव्यू में जो भी चीज़ें आती हैं वो एस्मा तो सभी पे लागू होता है, लेकिन जो इसेंशियल मेडिकल सर्विसेज एक्ट है ये सभी के लिए है। तो अब जो शर्तें MOU की है वो मेरे ख्याल से नेगोशिएशन अभी चल रहा है, फिलहाल अभी कोई भी परेशानी किसी भी मरीज को नहीं आ रही। एकदम से लैब बंद करना और जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को कि एकदम से लैब बंद करना, तो लोगों के साथ जो जुड़ी रहती है? हाँ, एकदम से लैब बंद करना मेरे ख्याल से शायद पहले नोटिस करना चाहिए था, और साथ में जो इसेंशियल सर्विसेज थी उसको ऑल ऑफ सडन देते रहना चाहिए था। अब इस पर क्या चर्चा है, क्या MOU है, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है वो चल रही है, मेरे ख्याल से अभी 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ इसमें मतलब पॉजिटिव सामने आएगा। सर, अगर नेगोशिएशन में बात नहीं बनती है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकारी लैब के ऊपर जो है वो भार जो है वो टेस्ट का पड़ेगा, अगर ये लैब कल से भी नहीं खुलती है तब क्या जो सरकारी लैब है वो जनता को सुविधा मुहैया करवा पाएगी? बिल्कुल, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो हमारी अपनी लैब्स हैं वो सारी चीजें हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक तो कोई मेरी समझ में कोई भी परेशानी भी किसी भी तरह की नहीं है।
सर कृष्णा लैब की ओर से अस्पताल प्रबंधन को क्या लैब बंद करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? एक नोटिस इन्होंने सर्व किया था, शायद वो नोटिस गवर्नमेंट को भी दिया था। तो जिस तरह की डायरेक्शन है हमारे यहाँ, अगर हम इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे तो इनकी कोई पेंडिंग भी नहीं चल रही है। जितनी भी एनोमलीज थी वो सारी हमने दूर कर दी थी, जितने भी इनके सारी, मेरे ख्याल से इस अस्पताल की तो कोई समस्या नहीं है और ना यहाँ पे कोई इस तरह की कोई दिक्कत आ रही। रोजाना मरीज, आजकल फुटफॉल थोड़ा कम हुआ है, फिर भी लगभग कोई 800 से 1000 के बीच लोग आते हैं।